ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हमें ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है, ईयर टू ईयर पार्टिंग, और सेक्शन हमारे क्लीन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम बैक में सेक्शन निकालेंगे। सेक्शनिंग हमारे बहुत नीट और क्लीन होने चाहिए जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल बहुत सुंदर और अच्छा बनता है। तो बैक में भी हमने स्ट्रेट एकदम लाइन निकाली हुई है, तो सेम आपको भी ऐसी लाइन निकालनी है स्ट्रेट। और बैक में हमें कर्ल करना है, तो जैसे मैं कर्ल कर रहा हूँ सेम वैसे आपको कर्ल करना है। तो कर्लिंग मशीन जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम आप ऐसे यूज़ करेंगे तो कर्ल हो जाएगा। और कर्ल करने के बाद हमें इसको सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड करने के लिए स्टील के सेक्शन क्लिप लगा देंगे जिससे कि ये होल्ड हो जाएगा। और सेक्शन ज़्यादा ना मोटा लेना है ना ज़्यादा पतला लेना है, मीडियम साइज का सेक्शन लेना है। और उसके बाद हम ये स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे जिससे कि हमारे कर्ल अच्छे से होल्ड रहेगा। अब हम दूसरे सेक्शन ले रहे हैं, दूसरे सेक्शन में भी सेम ऐसे ही करना है, मीडियम सेक्शन लेना है, उसको कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद आप इसको स्टील के सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड कर देंगे जिससे कि कर्ल हमारा बना रहेगा। फिर हमने एक और सेक्शन ले लिया, सेम ऐसे सेक्शन हमें लेते रहने हैं और सबके अंदर हमें कर्ल करके स्टील के सेक्शन क्लिप लगानी है। काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आई है, मैं बिज़ी था क्योंकि मेरा एकेडमी ओपन हो रहा है दिल्ली में, तो इसी वजह से मैं बिज़ी था और वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो एक ये वीडियो हमारी काफ़ी दिनों बाद आई है, तो मेरी एकेडमी ओपन हो गई है दिल्ली में। और जिसको जिसको सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूरी डिटेल ले सकते हैं कोर्सेज के बारे में। तो हमने बैक में सारा कॉल कर दिया सेक्शन बाय सेक्शन, और सेक्शन मैंने बताया आपको मीडियम सेक्शन लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। और जैसे हमने ये सेक्शन निकाला हुआ है सेम ऐसे आपको भी सेक्शन निकालना है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे सेक्शन निकाले हुए हैं। और बीच में हमें इसके अंदर जो सेक्शन अभी जो मैंने पकड़ा हुआ है इसके अंदर हमें बैककॉमिंग करना है। तो ये हमने सेक्शन निकाला हुआ है, इसके अंदर हम बैककॉमिंग करके पफ बनाएंगे। और उसके पीछे हमने एक सेक्शन छोड़ा है जिससे हम फ्रेंच चोटी लेके उसके अंदर लेयर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम बैककॉमिंग कर रहे हैं, बैककॉमिंग करने के बाद इसके अंदर स्प्रे करना है जिससे कि बैककॉमिंग खुले नहीं। बैककॉमिंग अच्छे से करने के बाद स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद हम इसको रोल करेंगे। तो मैंने इन सारे बालों को अच्छे से रोल कर दिया। और पिन लगाना है बॉब पिन, फिर ये साइड वाले बालों को अच्छे से हम एडजस्ट करेंगे। और लाइक कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट आप लाइक कर सकते हैं। और जैसे ये पफ बन रहा है सेम वैसे आपको पफ बनाना है, और साइड में जो निकले हुए थे बाल इसको अच्छे से पिनअप करना है, इसको एक शेप देनी है। ये हमारा पफ बन गया। अब हमने थोड़ा सा साइड में इसको
थोड़ा सा तिरछा करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंच चोटी बनानी है। तो हमने साइड से सेक्शन लिया और इसमें से हमने तीन पार्ट कर दिया, थ्री लेयर। उसके बाद हम फ्रंट से एक लेयर लेंगे, जैसे फ्रेंच चोटी होती है सेम ऐसी चोटी बनानी है इसके अंदर। फिर हमने बैक से लेना है, बैक वाले लेयर में भी सेम ऐसी एक लेयर छोड़ी हुई है फ्रेंच चोटी बनाने के लिए, तो सेम ऐसे ही लेना है। फ्रेंच चोटी बनाते चले जाएंगे और लेयर को थोड़ी थोड़ी लूज़ करेंगे। जैसे मैं खींच खींच के लूज़ कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी खींच खींच के लूज़ करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं सेम मेरे इसी अकाउंट से, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल। आप सर्च करेंगे तो इजीली आप फॉलो कर पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 9911418347 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, और मेरे कंट्री का कोड है +91। अगर आप लगाएंगे तो ये इजीली आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। और जैसे जैसे ये फ्रेंच चोटी बनती जा रही है, इसके साथ एक एक लेयर हम लूज़ करते रहेंगे ऊपर से। ध्यान रहे पतले पतले सेक्शन लेने हैं, ज़्यादा ना मोटा लेना है ना ज़्यादा पतला, और सेक्शन एक जैसे ही लेके इसके अंदर बनाना है आपको। और अभी तक आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और भी वीडियोस आपको इजीली मिल पाए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है तो उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है, और आप उसे इजीली देख पाएंगे। और मैं कौन सा स्प्रे यूज़ करता हूँ और कौन से फेस शेप के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, तो वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो को। तो जैसे जैसे फ्रेंच चोटी बन रही है तो ऐसे ही आपको ये फ्रेंच चोटी बनाना है, और एक एक लेयर खींच के उसको बाहर निकालना है, लूज़ करना है उसको। अगर आपको कुछ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, 9911418347। और इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए प्रेसिंग भी होना ज़रूरी है। अगर आपके बाल रफ़ हैं तो आप उसको प्रेसिंग कर लीजिए, जिससे कि इजी हो जाएगा हेयर स्टाइल बनाने में और नीट और क्लीन बनेगा। प्रेसिंग यानी स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर यूज़ करना है। स्ट्रेटनर भी कहते हैं, प्रेसिंग भी कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, तो एक ही वर्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। अगर आपके बाल कहीं फंस रहे हैं तो आप कॉम से उसको थोड़ा सा कॉम कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। इजी होने के बाद आप उसको पेटल्स को खींचेंगे, लेयर को खींचेंगे तो इजी निकल भी जाएगा। तो जब भी आप कॉम करेंगे तो इजी हो जाता है लेयर खींचने में, तो कॉम करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि आपको पसंद आया मेरी वीडियो, और मेरे को
अंदर से अच्छा मन करे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप लाइक करिए ज़रूर। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही करना है। फ्रेंच चोटी जिसको नहीं आती है तो मैं आपको बता दूँ कि पहले 3 लेयर निकालनी होती है, उसके बाद हमने दोनों तरफ से एक एक लेयर मिक्स करनी होती है लेयर के साथ। तो ये सारा बनाने के बाद हम साइड में इसको पिनअप कर देंगे। ये हमने साइड में पिनअप कर दिया है बॉबपिन से, और उसके बाद जो हेयर बच गए हैं इसको हम कर्ल कर देंगे। बॉबपिन से हमने उसको पिनअप कर दिया है कि लूज़ ना हो, और उसके बाद जो बाल बच गए हैं इसके अंदर हमें कर्ल करना है। तो ऐसे से मैं कर्ल कर रहा हूँ, सेम वैसे ही आप कर्ल करेंगे तो हो जाएगा। अब ये कर्ल हो चुका है, अब इसको हमें क्या करना है कि कॉम करना है। कॉम करने के बाद स्प्रे करेंगे, स्प्रे के बाद एक एक लेयर हमें उसके अंदर से खींच के निकालना है जिससे कि वॉल्यूम मिलेगा। एक एक लेयर निकालनी है और स्प्रे करना है, सेम ऐसे सारे लेयर्स में ऐसे ही करना है हमें जिससे कि वॉल्यूम मिलेगा। स्प्रे करने से होल्ड हो जाता है, तो आप स्प्रे ज़रूर करिए लेयर निकालने के बाद। स्प्रे आपको स्ट्रॉन्ग वाला करना है जिससे कि होल्ड रहेगा, वॉल्यूम मिलेगा, और एक एक लेयर निकालने के बाद आपको स्प्रे करना है जिससे कि वो होल्ड हो जाए। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, एक एक लेयर बारीकी से निकालना है आपको और स्प्रे करना है जिससे कि वो होल्ड हो जाए, और इससे हमारे बालों में वॉल्यूम मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे मैं निकाल रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी लेयर निकालना है। सबसे पहले कॉम कर दिया, कॉम करने के बाद उसके बाद हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद एक एक लेयर को हम निकालेंगे, फिर हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से हमारे जो लेयर निकली हुई है उसके वो होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होने से वॉल्यूम मिलेगा। तो जो स्प्रे यूज़ करना है वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है आपको, और लेयर को अच्छे से निकालना है। जिससे कि वॉल्यूम मिल जाए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं।
आप मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी मिल जाएगी और आप इजीली वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे और भी अलग अलग इंटरेस्टेड नॉलेज आपको मिलती रहती है, वहाँ पे भी फोटोज़ आती रहती हैं मेरे बारे में, वीडियोस के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे भी, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। हमारे सेमिनार के बारे में भी नॉलेज होती है, वहाँ पे क्लासेस के बारे में भी नॉलेज होती है, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। और जैसे से हमने किया था फ्रंट में, सेम वैसे ही बैक वाले लेयर के अंदर भी करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन क्लिप को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लेयर को कॉम करेंगे, वो कॉम करने के बाद एक एक लेयर हम उसके अंदर से निकालेंगे जो हमने कर्ल किया हुआ था, तो उसको लूज़ करना है जिससे कि वॉल्यूम मिलेगा। लेयर निकालने के बाद स्प्रे करना है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना वॉल्यूम मिल गया। अभी हमने तीन चार लेयर किया है और उसमें भी हमें कितना सारा वॉल्यूम मिल गया है, तो सेम ऐसे ही आप करते जाएंगे तो बहुत सारा वॉल्यूम आपको बालों में मिल जाएगा। और अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का नीचे बटन आता है सब्सक्राइब का, अगर आपने उसको नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी और भी। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब बस एक ही बार करना होता है जब रेड होता है तब। सेम ऐसे ही सारे बालों के अंदर आपको करना है वॉल्यूम देने के लिए। आपने इस फोटो में देखा होगा कि कितना सारा वॉल्यूम था और हमने कैसे क्रिएट करना है इसके अंदर, वो सारी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको लूज़ करना है और स्प्रे करना है, एक एक लेयर बाहर निकालनी है उसके अंदर लूज़ कर करके और स्प्रे करना है। तो ऐसे ही हम सारे बालों के अंदर कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के अंदर फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट में सबसे पहले आपको स्प्रे करना है और सेक्शन क्लिप लगानी है जिससे कि वो होल्ड हो जाए। उसके बाद आप कॉम करेंगे जिससे कि पूरे हेयर फ्री हो जाए। फ्री होने के बाद आप उसको हल्का सा आप खींच के उसकी लेयर को बाहर निकालेंगे वेव टाइप में और स्प्रे कर देंगे जिससे कि वो होल्ड हो जाए। होल्ड होने के बाद आप उसको वहाँ पे फिंगर से टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद आप वहाँ पे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद आपको नीचे कॉम करनी है, टर्न करने के बाद आपको हल्का सा लेयर बाहर निकालना है, उसके बाद आपको कॉम करनी है। कॉम करने के बाद फिर आप टर्न करेंगे, फिर आप कॉम करेंगे। फिंगर को टर्न करना ज़रूरी है वेव देने के लिए, तो टर्न करना है। उसके बाद फिर आपको हेयर को लूज़ करना है, फिर आप स्प्रे करेंगे वेव देने के बाद। स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद अच्छे से उसको करने के बाद आप उसको होल्ड कर देंगे। स्प्रे आपको स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करना है, जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर, मैं अपने वीडियो में यही स्प्रे यूज़ करता हूँ और स्प्रे के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फेस शेप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं।
तो जैसे जैसे हमने किया है सेम वैसे ही आप करेंगे तो ये वेव बन जाएगा। स्प्रे आपको स्ट्रॉन्ग वाला ही यूज़ करना है, आप कोई नॉर्मल स्प्रे यूज़ करेंगे तो उससे नहीं बन पाएगा। तो जैसे जैसे हमने वेव बनाया सेम आप ऐसे बनाएंगे तो वेव बन जाएगा। और उसके बाद आप स्टील की जो सेक्शन क्लिप लगी है आप इसको रिमूव कर देंगे।